सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है होंडा हॉर्नेट 2.0 के बारे में, बाइक के बारे में सारी डिटेल आज इस वीडियो से आप लोगों को मिल जाने वाली है। बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे बाइक के बारे में, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन प्लस एग्जॉस्ट नोट भी आप लोगों को वीडियो के एंड में सुनने को मिल जाने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो प्राइसिंग के साथ, ताकि वीडियो में आप लोग ज़्यादा रिलेट कर सको और प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ना काफ़ी अच्छा ये सेटअप भी हो जाता है। ऑन रोड जयपुर बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है 1,65,000 1.65 ऑन रोड जयपुर। अब इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे आप लोगों को होंडा की जो एक स्मूथनेस लेवल है, रिलायबिलिटी है, वो तो मिलती है, उसी के साथ साथ एक काफ़ी कंफर्टेबल बाइक भी हो जाती है और डेली रूटीन लाइफ में भी आप लोग इस बाइक को यूज़ कर सकते हो। एक ही बाइक चाहिए जो आप लोग राइड भी कर सको, डेली यूज़ भी ले सको और लॉन्ग टूरिंग भी कर सको ना, तो भैया हॉर्नेट आप लोगों के लिए इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। कलर ऑप्शन टोटल 5 अवेलेबल रहते हैं, या फिर 4+1 भी इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एक रेप्सोल एडिशन भी आ जाता है जो कि अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो हॉर्नेट में रेप्सोल एडिशन भी अवेलेबल रहता है, प्लस सेम ही इंजन के साथ यहाँ पर अपने पास अवेलेबल रहती है CB200XB, जो कि एक एडवेंचर थीम में बाइक आ जाता है। इंजन सेम रहता है, टायर का सेटअप चेंज हो जाता है, यहाँ जाता है ब्लॉक पैटर्न टाइप टायर, जो कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑब्वियस है चेंज एक रहेगा ही, जैसे कि हॉर्नेट में अपना रेगुलर वाला रहता है, वहाँ जाता है अपना ब्लॉक पैटर्न। और प्राइसिंग में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। सो एक अगर लॉन्ग टूरिंग के लिए ही लेनी है बाइक, कंफर्टेबल, वो भी सेम है, वही रिलायबिलिटी, वही स्मूथनेस, तो CB200X भी आप लोग ले सकते हो। अब देख लेते हैं क्या कुछ बाइक में आप लोगों को मिल जाता है। प्राइसिंग मिल चुकी है 1,65,000 ऑन रोड जयपुर। फ्रंट में आ जाता है अपना नंबर प्लेट का होल्डर, होंडा की प्रॉपर। अरे 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 हॉर्नेट हॉर्नेट कहाँ, तो वापस इसको लगा देते हैं। फ्रंट में आ जाता है होंडा की अपना प्रॉपर स्टिकरिंग, LED सेटअप, काफ़ी एक अच्छा लाइटिंग सेटअप LED में आप लोगों को ओवरऑल मिल जाता है। इंडिकेटर भी LED में, LED में ही हेडलैम्प है विथ हजार्ड, तो हजार्ड भी यहाँ पर आप लोगों को कंपनी की तरफ से ही स्टॉक बाइक में देखने को मिलेगा। इग्निशन ऑन करते हैं तो इग्निशन एक तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा फ्यूल टैंक पे, इस टाइप से कुछ की का या अपना लेआउट रहेगा, जैसा कि शाइन 100 में भी रहता है, CB200X में भी यही सेम आपका की का लेआउट है, शाइन 125 में भी, CD110 में भी, लीवो में भी, SP में भी और शाइन 100 में भी सेम यही की का लेआउट आपका रहेगा इन सभी बाइक्स में। SP160 वाला रहता तो और अच्छा रहता। इग्निशन ऑन करते हैं तो इग्निशन के साथ कुछ लाइटिंग सेटअप अपना इस टाइप से ऑन रहेगा, जो कि LED DRL वाला पार्ट है, हेडलैम्प अपना मल्टीपल कंपार्टमेंट में जाता है और कॉर्नर वाला पार्ट आपका इग्निशन के साथ ऑन रहता है। हजार्ड भी ऑन कर लेते हैं, सो हजार्ड ऑन होने के साथ इस टाइप से कुछ ही अपना लुक प्रॉपर आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लाइटिंग ओवरऑल ना एक सेटअप बना देता है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पे मिल जाता है विथ रबर कवरिंग, काफ़ी अच्छे साइज़ का, जो कि लुब्रिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इस टाइप से कुछ रियर व्यू मिरर है, अगेन जैसे कि सभी बाइक्स पे, सभी स्कूटीज पे होंडा में अवेलेबल अपना रहता है। अपसाइड डाउन सस्पेंशन सेटअप है विथ गोल्डन ट्रीटमेंट, और ये आपको मिलता है यहाँ पे शोवा का, 37mm के अराउंड इसका साइज़ रहता ही है। तो शोवा का अपसाइड डाउन सस्पेंशन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है, रिफ्लेक्टर है जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है। सिंगल जनरल ABS के साथ बाइक अवेलेबल रहती है। फ्रंट डिस्क की बात करते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 276mm का MRF ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। फ्रंट टायर है ये 110 सेक्शन का, टायर की ग्रेडिंग 110/70/17, इस टाइप से कुछ ये अपना लेआउट बनेगा। स्टिकरिंग आ जाती है एक बॉडी कलर के अकॉर्डिंग, और ये अपना फ्रंट मडगार्ड ABS के एक स्टिकर भी है। इस टाइप से टायर का पैटर्न है, 110 सेक्शन का टायर फ्रंट में मिल जाता है, जिसकी वजह से ना फ्रंट लुक भी बाइक का काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। और ये आपका अलॉयस का प्रॉपर शेप, सस्पेंशन ट्रेवल भी यहाँ से आप लोग ये देख सकते हो। तो अब आ जाते हैं जी साइड प्रोफाइल पे, जो कि काफ़ी अच्छा पार्ट हॉर्नेट को बना देता है ना, स्पेशली सीट हाइट। सीट हाइट यहाँ पे काफ़ी लो है, 790mm का ही सीट हाइट है, शॉर्ट हाइट आपकी है, तो कोई भी इशू नहीं होने वाला। उसी के साथ से जो पिलियन का सीट है, इसका साइज़ भी काफ़ी इनफ है, और कुशनिंग भी मतलब सॉफ्टर साइड पर भी ज़्यादा नहीं है और ना ही ज़्यादा हार्डर साइड पर, तो एक आप इससे चला सकते हो। अगर एक कस्टमाइजेशन करवा लें तो और अच्छा रहता है। तो 790mm का सीट हाइट यहाँ पे मिलेगा। फ्यूल टैंक पे देखते हैं तो काउल की वजह से साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा तो इनहेंस हो ही जाता है। हॉर्नेट का एक गो थ्रू वाला स्टिकर है, ये आ जाता है अपना होंडा का 3D एम्बलम और 2.0। रियर फेयरिंग पे भी एक स्टिकरिंग का पार्ट आ जाता है, बट मेजरली फ्यूल टैंक पे ही आपका स्टिकरिंग का पार्ट रहेगा। सेंटर वाला पार्ट आ जाता है अपना मैट ब्लैक में, कार्बन वाला लेआउट है। उसी के साथ साथ ये रहा होंडा का एक स्टिकर, जैसा कि लोगो रहता है ब्रांडिंग, इग्निशन, और ये रहा आपका फ्यूल कैप। फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटल 12 लीटर फ्यूल टैंक अपना रहता है यहाँ पे, 12 लीटर का। चार्जिंग पोर्ट कोई भी अवेलेबल यहाँ पे नहीं रहेगा। टेल सेक्शन देख लेते हैं तो टेल एक तो इस टाइप से यहाँ पे आप लोगों को ऑन रहेगा, लाइटिंग सेटअप इग्निशन के साथ एक्स शेप में, टेल लैंप, बाकी टेल टाइड ये आप लोग देख सकते हो। स्प्लिट में ग्रेव रेल्स है। रियर टायर का पैटर्न ये रहा, और रियर टायर की ग्रेडिंग अपनी रहने वाली है 140 सेक्शन। रियर टायर आपको मिल जाता है यहाँ पे 140/70/17 का,
अलॉयज ये रहा। लेआउट वही एक ग्लॉसी ग्रे स्टोन आ जाता है। रियर डिस्क 220mm का डिस्क मिल जाता है निसिन ब्रेकिंग के साथ। सो ये अपना ब्रेकिंग सेटअप हो जाता है। सिंगल चैनल ABS यहाँ पे मिलेगा। MRF ट्यूबलेस ये रहा टायर का पैटर्न। इस टाइप से कुछ एग्जॉस्ट का लेआउट है। शॉर्ट एग्जॉस्ट वाला लुक यहाँ पे प्रॉपर मिलता है। हीट शील्ड ये आपका प्रॉपर मेटल में ही रहेगा। फुट पैक रबर कवरिंग आ जाती है राइडर के लिए, और पिलियन के लिए कोई भी रबर कवरिंग अवेलेबल नहीं है। इस टाइप से कुछ ओवरव्यू अपना बनता है रियर से देखने में। साड़ी गार्ड आ जाता है अपोजिट साइड पे। चेन का सेटअप फुली ओपन वाला है, जो कि इस टाइप से कुछ लेआउट रहेगा। सेंटर स्टैंड साइड स्टैंड दोनों है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ और सिंगल हेड में गियर लीवर है। 5-speed गियर बॉक्स के साथ बाइक आने वाली है। बाकी ये आप लोग रिमूव कर सकते हो, की होल है सीट ओपन करने के लिए। और इस टाइप से कुछ इंजन का लेआउट है अपोजिट साइड से। इस टाइप से बनता है आपका राइडर POV। काफ़ी एक प्रॉपर जो प्लास्टिक क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच है तो क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा लाइट मिल जाता है। ये रहा एक अपना पास वाला स्विच, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर। इस टाइप से यहाँ पे सिंगल बजर में हॉर्न रहेगा। राइट साइड पे किल स्विच है, हजार का एक स्विच है, प्लस स्टार्टर आ जाता है। इस टाइप से थ्रोटल है और ये रहा अपना बार एंड फाइबर में ही, जैसा कि SP125 में भी अपना रहता है। तो कुछ इस टाइप से ये अपना बनता है डैश। MID भी देख लेते हैं। स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है। चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है, बट वो आप लोग आफ्टर मार्केट रिप्लेस करवा सकते हो। टैकोमीटर आ जाता है, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, टोटल ऑडोमीटर भी शो हो रहा है, और क्लॉक भी है। फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर मिल जाता है। सारी वार्निंग लाइट्स यहाँ नीचे भी है और दोनों ही साइड में इंडिकेटर अपना ब्लिंक हो रहा है। चेंजेस करके देखते हैं तो यह आ जाता है ट्रिप ए, ट्रिप बी, बैटरी वोल्टेज, टोटल ऑडोमीटर। सो दो ट्रिप मीटर, बैटरी वोल्टेज और ऑडोमीटर, यही सब कुछ आपको MID में यहाँ पे मिलेगा। आपको लेते हैं बाइक को स्टार्ट, पहले देखते हैं फ्यूल है भी या फिर नहीं। तो फ्यूल का थोड़ा सा इशू, बट आई होप आप लोगों को इसमें भी थोड़ा ना एग्जॉस्ट नोट समझ में आ ही चुका होगा। अब कर लेते हैं बात इंजन स्पेसिफिकेशंस की, फिर करते हैं वीडियो को एंड। सो किक यहाँ पे नहीं है, जो कि इस कैटेगरी में ज़्यादातर ऑप्शंस में आप लोगों को किक नहीं मिलेगा। ज़्यादातर नहीं, किसी में भी नहीं है। बस एक NS160 आ जाता है जिसमें कि किक आप लोगों को मिल जाता है। स्टेप से एक इंजन काउल है स्टिकरिंग के साथ, वही अपना मैट जैसा कि एक ग्रे वाला टोन है, वही आपको एक इंजन काउल पर भी मिलेगा। इंजन आप लोगों को मिल जाता है 184.4 cc का 4-stroke SI इंजन, 5-speed गियरबॉक्स के साथ। 17.03 HP का पीक पावर और 15.9 Nm का टोटल टॉर्क है। बाइक का टोटल वेट है 142 kg। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मिलेगा 167 mm का। सो ये हो जाता है जी अपना पूरा वीडियो कंप्लीट होंडा हॉर्नेट 2.0 के बारे में। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट में ज़रूर से बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी ज़रूर से कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर देना, और ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर से कर सकते हो। मिलते अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।